सो हाय गाइस, वेलकम आप सभी का इस सीरीज के पांचवे वीडियो में। सुमित भाई, कैसा वीडियो होने वाला है ये? हाँ, ये वीडियो कवर करेगा प्लेसमेंट में कैसा होता है। भाई अब हम हॉस्टल 16 आए हैं, जहाँ पे जो भी प्लेसमेंट का पूरा प्रोसेस है वो चल रहा है, तो अंदर चलते हैं। एंड इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपने अभी तक नहीं देखा, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सी कंपनी का इंटरव्यू है? तीन कंपनी का है। तीन कंपनी का इंटरव्यू है? कौन कौन सी? एसेंचर का है, उसके पहले media.net का है, और अभी अभी किसका है? सब साथ में ही है, आगे पीछे होगा कोई तो पता नहीं है क्या? सबसे पहले किसका होगा? पैरेलल चलता है तो मैं जो पहले देना है वो। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा कल वाले इंटरव्यू में कैसा रहा? राउंड टू में साथ काट दिया, गलत हो गया ये तो। आज वाले के लिए ऑल दी बेस्ट, आई होप आज आप पक्का सिलेक्शन लेके लौटोगे। भाई विपुल भाई, ऑल दी बेस्ट। तो यार विशाल भाई है यहाँ पे, विशाल भाई का भी GD है। विशाल भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या लगता है क्या होगा? सही जाना चाहिए। कोई अंदाजा कि क्या पूछेंगे GD में, किस तरीके से कराएंगे? ऐसा तो हाँ, मतलब किस तरीके से करेंगे, ऐसे 40 होंगे समथिंग स्टूडेंट, तो चार का ग्रुप बनाएंगे, 10 10 10, और उनमें से स्टूडेंट्स वगैरह से एक ग्रुप से दो ले लिया, एक से तीन ले लिया, ऐसे करके 11-12 लेंगे। कौन सी कंपनी का है? ICICI। एंड कितने बजे उठे आज आप? मतलब 3 बजे का सोया था, अभी 5 बजे उठ गया। 3 बजे सोया था और 5 बजे उठ गया, मतलब सिर्फ 2 घंटे सोया। क्या बात है यार। चलो ऑल दी बेस्ट विशाल भाई आपको, आई होप आप अच्छा करो, बाय बाय। सुमित यहाँ पे मजे से बैठा है, एंड वहाँ देखो विपुल अपना खाना लेके आ रहा है, सुबह का नाश्ता। बेचारा इंटरव्यू देने गया था बिना नाश्ता किए, अब पहला इंटरव्यू देके नाश्ता लेके आ रहा है। भाई विपुल भाई का इंटरव्यू अभी एक हुआ है, दूसरा होने वाला है। एंड सुमित देखो हमेशा एक ही काम करता है भाई, गेम खेलता रहता है, क्रिकेट देखते हैं, रन मार पाता है नहीं। ओ भाई परफेक्ट 6 रन मार दिया भाई, बस ऐसा ही परफेक्ट इंटरव्यू विपुल का भी चाहिए हमें आज। विपुल भाई होगा ना, क्रैक्स मचैक्स है भाई विपुल अपना। और यहाँ पे GD वाले लोग मिलते हुए, विशाल कैसा क्या GD? GD अच्छा, GD अच्छा। क्या क्या हुआ उसमें? कौन सी कंपनी? पेज दिया उसमें क्वेश्चंस वगैरह, एक पूरा टॉपिक था उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा क्या क्या क्वेश्चन था उसमें? इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे था कि तुमको यूज करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को इंकरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो गया अच्छे से। राहुल भाई आपका कैसा रहा? ठीक ही था, ठीक है। बट अब वो सिलेक्ट करने का है ना कि कितना सिलेक्ट कर रहे हो एक ग्रुप से, बोला तो ठीक ही था। चलो मिलता है क्योंकि विपुल का इंटरव्यू हो तो जाता है भाई। सारे कैंडिडेट जिनका जिनका वो बैठे हुए हैं इधर भी भाई कैंडिडेट। आदित्य भाई कैसा लग रहा है? जहाँ पे एक तरफ सारे कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं, आपको आपका हो गया, आप कैसा लग रहा है? बिल्कुल भाई, हमारे भाई आयुष है, विपुल है, इनका भी हो जाए, अगर हो गया तो मजा आ जाएगा भाई। बिल्कुल पहले तो आप देंगे पार्टी, भाई अब तो मुंबई का वो बढ़ जाएगा जी, क्या बोलते हैं उसको, पैसे बहुत आने लग जाएंगे क्योंकि यहाँ के छात्र पार्टी। भाई कुछ दिनों में मुंबई के रेस्टोरेंट माला माल होने वाले हैं। आयुष भाई क्या थॉट चल रहा है अभी? देखते हैं राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। चलिए ऑल दी बेस्ट। और गेमिंग चल रही भाई, इंटरव्यू से पहले गेमिंग चल रही है भाई, मस्त। विपुल भाई क्या लग रहा है? राउंड 2 वेट कर रहे हैं। एंड ये देखिए जिस, ये तो पीपी वाला, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसा माहौल देखते हुए? अभी जो बोल रहे थे कि प्लेसमेंट में बैठ जाना चाहिए था। प्रज्वल सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है? बस अब सबका हो जाए, सब पार्टी करेंगे सब मिलके। बिल्कुल चलो भाई, सारे तरफ कैंडिडेट्स ही कैंडिडेट्स। यार पिछले कुछ दिनों से विपुल ने न जाने कितनी सारी कंपनियों के इंटरव्यू दिए, बट किसी में भी बात नहीं बनी, एंड वो कितना उदास है आप देख सकते हो। एंड ऐसा ही लाइफ में हमारे साथ कई बार होता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं पर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है जो हमें चाहिए थी। उस सिचुएशन में बस एक बात हमेशा याद रखना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्यों बोल रहा हूँ ये लाइन में, चलो आगे देखते हैं। विपुल भाई का ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो चुका है ऐसा लग रहा है हम लोगों को, अभी ये ऑफिशियल आना डिक्लेरेशन आना बाकी है, लेकिन कैसा लग रहा है देखते हैं यार। अच्छा लग रहा है, अभी तो इंटरव्यू देके तो अच्छा लग रहा है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बस। विपुल को देखो किस माहौल में बैठा है भाई, ये रहा
पीक प्लेसमेंट मूवमेंट पीक तो नहीं रहा, काफी दूर आ चुके हम लोग। अरे नहीं पीक प्लेसमेंट मतलब जिस हिसाब से तुम बैठे हो यहाँ पे। ठीक है जी, क्या लगता है इंटरव्यू होगा तेरा आज? ये देख भाई बहुत ज्यादा मग्न है ये। अनिरुद्ध कैसा लग रहा है? हमको तो क्या ही फर्क पड़ता है, चल रहे लोगों का इंटरव्यू दौड़ने के बाद। पीपीओ वाले लोग को फर्क नहीं पड़ता भाई। और फाइनली भाई अभिषेक भाई कंग्रेचुलेशन यार, मचा दिया भाई। और कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है भाई, फाइनली प्लेसमेंट लग गई, कॉल्स भी आने लगे अब तो। क्या बात है, कौन सी कंपनी में लगा ये बताओ लोगों को? एयर इंडिया में हो गया भाई, अब तो फ्री में उड़ूंगा। और कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा भाई। जो मेहनत थी उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो भाई। आप सब दोस्तों की तो मेहनत है भाई, ये देखो इसके दोस्त की मेहनत देखो। भाई पुलकित अपनी लगने के बाद भाई लेजिट लेजिट भाई लेजिट में पुलकित कैसा लग रहा है दोस्तों की प्लेसमेंट लग रही है? और क्या भाई, हो गया विपुल भी हो गया। अरे प्रशांत भी हो गया भाई, पुलकित का कल हुआ उसके बाद तो पुलकित ने ऐसे मचाया है भाई प्लेसमेंट में। भाई ये तो विपुल को देखो भाई, विपुल एंड जो हीरो है भाई विपुल भाई, क्रैक्स मचैक्स। थैंक यू भाई, लग गई फाइनली। कैसा लग रहा है? रिलैक्स फील कर रहा हूँ बस, अब 3-4 दिन तो रिलैक्स ही करेंगे। उसके बारे में बताओ, जैसे कल जो इंटरव्यू वगैरह में नहीं हो रहा था तो कैसा लग रहा था? अरे तो कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा सा वो हो रहा था कि मतलब D3 तक आ गए, एक्सपेक्ट तो नहीं किया जितना नीचे जाएगा, लेकिन भाई तो सोच रहा था लग जाएगा पहले, लेकिन नहीं लग रहा था, लग थोड़ा होता है। कोई बात नहीं यार, मचा दिया ऐसे भी तुम। और बहुत बहुत बधाइयां, क्या कहना चाहोगे अपने सब्सक्राइबर्स? भाई पार्टी देने चल भाई, क्या कर रहा भाई तुम भी पार्टी जिसकी दो। प्लेसमेंट पे तैयारी करो भाई, पहले विपुल का एग्जाम है वो भी तैयारी करो। कंपनी बता दो, लोग कंपनी पूछते हैं। एयर इंडिया ही में है, दोनों एयर इंडिया में है भाई, दोनों साथ में जाएंगे भाई, अब तो दोनों साथ में उड़ेंगे। और पुलकित का जैगवार में अंदर है भाई, इसके कार में लगाऊंगा भाई। जैगवार समझ रहा हूँ भाई, जैगवार कार लेके उड़े, मतलब वो भी उड़ती है भाई, इतनी सेक्सी कार है भाई, ये दोनों एयर इंडिया में उड़ेंगे। बधाइया भाई, बधाइया। थैंक यू भाई, पुलकित को भी बधाइया एक बार, और अभिषेक को भी। इसका हॉस्टल दूसरा था, लेकिन हर रोज हम लोग एक जगह पे बैठ के कोडिंग करते पढ़ाई करते, और फाइनली वही गया यार इसका। यस गाइस फाइनली सॉर्टेड। सो आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने एक चीज तो जरूर सीखी होगी कि अगर आप जब तक खुद से हार नहीं मानते हैं ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि आप देखो ना यार, विपुल को कितने रिजेक्शन मिले, विपुल की बात छोड़ो, कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कितने सारे इंटरव्यूज में नहीं होता है, कितनी बार कोई एग्जाम से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, बट अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका उस वे ना सही किसी और चीज में, उससे बेटर चीज में भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और रखना ही होगा यार, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा, क्यों? और हमेशा याद रखना, मुझे अपना फेवरेट डायलॉग याद आ रहा है कि कोई भी युद्ध कर्म भूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीता जाता है यार, और आपको जीतना पड़ेगा मन भूमि में, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के एंड अपने एबिलिटीज को और बेटर करके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये वाला जो सिल्वर प्ले बटन है ना, हमें गोल्ड प्ले बटन में बदलना है यार। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड अपना फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट करके बताना।